हे गाइस, गुड मॉर्निंग। क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 11:15 और हम लोग जा रहे हैं डुगू के मुंडन मतलब टूरन के लिए। सब लोग तैयार हो गए हैं। पीछे आंचल मेरे मामा की लड़की और वहाँ हैं दिवाकर जी, गाय खिला रहे हैं और डुगू को खिला रहे हैं। आओ मैं आपको गाय दिखा देती हूँ थोड़ी सी, चलो। और पीछे आ रहे हैं मेरे पापा को डुगू एंड दिवाकर जी और हमारे मामा की गाय। ये देखो, ये रे दिवाकर जी और ये रे गाय। दिख रही है गाय? पता नहीं, उजाला ज्यादा आ रहा है। डुगू कह रहा है काऊ 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 मम्मी काऊ। ओके, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं क्योंकि हम जा रहे हैं एक देवी स्थान है जहाँ हमारे यहाँ मुंडन होता है, जहाँ मेरा मुंडन हुआ है, जहाँ मेरे भाई का मुंडन हुआ है। तो हाँ, वहाँ पे हम डुगू के बाल उतरवाएंगे, तो वहीं पे जा रहे हैं। गाड़ी बुक हो रखी है, एक बुलेरो, उसी में सब जने जा रहे हैं। नानी, मामी, मामा, मामा के बच्चे, हम सब। मामा को दिखाऊं? मामा ऐसे खड़े हो, जरा बोलो हाय। हाय, ही इज माय मामा, से हाय। हाय, मामा यूट्यूब पे आ जाओ। अब यूट्यूब पे आ जाओगे, फेमस हो जाओगे, ठीक है। मामा और जो यहाँ पे उनके फ्रेंड हैं वो पापा और दिवाकर जी सब लोग खड़े हैं। और यहाँ पे जो वहाँ पे कढ़ाई चढ़ेगी जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, कढ़ाई चढ़ना इन द सेंस कि एक तरह की रस्म होती है कि जब हम मुंडन वगैरह कराते हैं किसी स्थान पे जाके, तो वहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई जाती है उन देवी देवताओं के नाम की। तो कढ़ाई चढ़ेगी इसलिए वहाँ पे गैस सिलेंडर वगैरह हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि वैसे चूल्हे पे चढ़नी चाहिए लेकिन चूल्हा एक्चुअली हर टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पे गैस सिलेंडर लेके जा रहे हैं और इस जो सिलेंडर है जो, इसमें अभी गैस भरवानी है, इसलिए हम लोग मामा के चौराहे पे रुके हुए हैं। और वहाँ पे ही एक छोटा सा दुर्गा पूजा का माता का पंडाल लगा हुआ है और मैं आपको वही दिखा रही थी। हम लोग सब लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और बाकी मेरे हस्बैंड और विपिन जो मामा का लड़का है वो गैस भरवाने गए हैं। ये है मेरी मामी जिन्होंने अभी अपना घूंघट उठाया था, और ये है लाल साड़ी में मेरी नानी, और इसके बाद बैठी है मेरी मौसी, और उसके बाद बैठी हुई है आंचल आगे की सीट पे, जिस सीट पे मैं बैठी हुई हूँ विपिन और हैप्पी के साथ। आंचल कह रही है दीदी मेरी फोटो ज़्यादा अच्छी आ रही है ना। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे और मेरी मामी जो है मेरी नानी के रंग लगा रही हैं, जैसे कि हम लोग महावर भी बोलते हैं दिल्ली में, ये लालता भी बोलते हैं। तो ये महावर लगाया जा रहा है, ये हमारे यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट रीति रिवाज है कि जब भी कोई अच्छा काम होता है तो जो सुहागन औरतें होती हैं वो रंग लगाती हैं, लाल रंग का होता है ये, एक तरह से इसे लिक्विड फॉर्म में बना के उसके बाद इसे लगाया जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने सारे लोग मुंडन कराने आए हैं, इतनी सारी चूल्हे बने हुए हैं, इतने सारे लोग कढ़ाई चढ़ा रहे हैं, तो मतलब बहुत सारा यहाँ पे हो रहा है काम धाम। और आज सिर्फ मेरे बेटे का मुंडन नहीं है, मेरे पापा के गांव से ही मैं हमारे जो बहुत करीबी के पटीदार बोलते हैं जो कि पड़ोस का घर होता है, तो उनकी बेटी के बेटे का भी मुंडन है यहीं पे, तो वो भी आई हुई है और हम भी आए हुए हैं। अब मैं यहाँ पे अपने बेटे के मुंडन के लिए जो देवताओं को पूड़ी चढ़ानी है वो पूड़ियाँ तल रही हूँ मैं देसी घी में, जो देवता जी को चढ़ानी है। और पूड़ियाँ तलने के बाद हम लोग चलेंगे डुगू के मुंडन की सेरेमनी की तरफ। और मेरी मामी बैठी हुई हैं और नानी मेरी हेल्प करा रही हैं, आंचल मेरी हेल्प करा रही है, पूड़ी बेल रही है, और मौसी भी मेरी हेल्प करा रही है, और मैं आराम से पूड़ियाँ तल रही हूँ। पूड़ियाँ तल लेंगे हम लोग, जब पूड़ियाँ तलने मतलब देवताओं के लिए पूरी हो जाएंगी उसके बाद हम चलेंगे मुंडन की तरफ। और डुगू जो है दूसरी तरफ खेल रहा है अपने पापा के साथ बॉल, आते ही उसने यहाँ पे बहुत सारे खिलौने वगैरह ले लिए हैं, तो मतलब वो फुल टू इंजॉय कर रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बोर हो रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। चलिए आगे दिखाती हूँ मैं आपको फिर। बस बस
डुगू को मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ। उसके ऊपर की टी शर्ट्स वगैरह निकाल दी गई हैं, टी शर्ट और बनियान उसके। अब यहाँ पे मुंडन होगा। और ये जो नाई अंकल हैं, इनका जो पानी था वो डुगू सब पी गया है, क्योंकि उसको प्यास लग रही थी तो उसने अपने आप मांग के पी लिया है। डुगू के मुंडन के लिए अब इसको अच्छे से पानी वानी लगा दिया जा रहा है उसके बालों पर, और उसके बाद इसका मुंडन स्टार्ट होगा। अरे पांडी दुबिया मैं देख सास को आना देखाया माँ वहाँ घऊदा लग अरे आमा वहाँ घर बहु हल्ला पांडी तार मैया तोरा अरे पांडी तार मैया तोरा अरे पांडी अरे दुबिया जनामा आही बतावा बहु हरियामा वहाँ हरिया तोरा अरे आमा माधु पी पारी हे खिड़किया सासु कहाँ से लई तू ना दिया रगरी के पीसे पी पारी हो रगरी के पटना से लई बहु हर लोढ़ावा है अवाधा माधु पी पारी हे पियो ना ये समय के सलिया ननद लैया लगाओ अरे तोहा रब लैया लगाओ अरे तोहा सालू के लालन भैले हो रामा लई लई परोसनी बाधुआ चली है गौआ बासिनी जब जनी है तब ओकरे बाद आई है तू दई है फिर दूसरा पार बगिया मामा महा महा कह चिड़ैया चाह 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 कहीं हो राजा कलियों में भंवरा लो भाने बसंती राग गावाई हो मामी गाय ये तुम गा दिया तो होठ अच्छा गावा बजा गावा भगवान सबका बाप माई दिया जाइए गाय बजाई के नाच मुड़न करावन ग्यारह नाटिया बिटिया नहीं बाबा नाना कहिए तब अच्छा चलो ठीक नाना कहिए बाबा ना कहिए हम नाती है वो खुश रहा सबका भगवान लावे आशीर्वाद दिया सावारी पानी या कनी सारे हो बलामा तो
पापा अंगोछा लेकर आए ए आंचल। यहाँ पे डुगू को नहलाया जा रहा है और मेरी नानी डुगू को नहला रही है अच्छे से मल मल के, ताकि जो उसके शरीर पे बाल बाल लगे हैं वो हट जाए। और नहलाने के बाद डुगू के सर पे जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे अमाउंट में घी मला जाएगा, ताकि उसका सर चिकना रहे हमेशा और जो बाल आएँ वो अच्छे आएँ, ठीक है ना। तो ये एक तरह की रस्म होती है घी मलना। और घी मलने के बाद अभी डुगू नहा रहा है तो हंस रहा है, और डुगू नहाने के बाद उसको हम लेके जाएंगे अभी अपने देवी जो हमारे देवता हैं कुल देवता हैं उनके दर्शन कराने के लिए। तो यही हैं वो जिनको मैं सिंदूर दे रही हूँ और अपने भी लगा रही हूँ, और इनके दर्शन कर रही हूँ मैं। इनकी मैं यहाँ पे शायद दूसरी बार आ रही हूँ, पहली बार मैं तब आई थी जब मेरा मुंडन था, और दूसरी बार अब आई हूँ जब मेरे बेटे का मुंडन है। और ऐसा नहीं है कि मैं मतलब अपने बेटे का सिर्फ मुंडन करा रही हूँ, हमारे घर में हमारे खानदान में जितनी भी लड़कियाँ हैं सबके बच्चों के मुंडन यहीं पे हुए हैं। जैसे कि मेरी बुआ के बच्चे, मेरी दीदी के बच्चे, मेरे ताऊ जी की लड़कियाँ हैं उनके बच्चे, तो मतलब जो भी लड़कियाँ हैं पूरे गाँव की उनके सबके बच्चों के मुंडन यहीं पे हुए हैं। तो इसलिए मेरे बेटे का मुंडन यहाँ पे होना ज़रूरी था। तो यहाँ पे वही हो रहा है, डुगू एंजॉय कर रहा है। मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ देवताओं को, मैंने पूड़ियाँ चढ़ाई हैं आगे, आप लोग देख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो मेनली चढ़ता है वो होती है लपसी और पूड़ी। लपसी मतलब एक तरह का हलवा होता है जो कि आटे का ही बनता है, आटे और गुड़ का। तो वो इन देवताओं को चढ़ता है, जो ये देवता यहाँ पे हमारे बैठे हुए हैं। तो वही कुछ हमने चढ़ाया है यहाँ पे, देवताओं की पूजा हो गई है। उसके बाद जो भी लोग हमारे साथ आए थे, मेरे पापा, हैप्पी, दिवाकर जी, मामा, मामा के फ्रेंड, और साइड में जो एक लेडी बैठी हुई है वो मेरी बुआ लगती हैं, मतलब पड़ोस की बुआ हैं मेरे, हमारे पटीदार हैं जो उनके बेटी हैं वो, ये जो बैठी हुई हैं। तो ये भी हमारी ब्राह्मण हुए हैं, हमारी मान्य है क्योंकि हमारे यहाँ की लड़की हैं, तो इनको भी खिलाना बहुत ज़रूरी था। तो ये सब लोग खाना खा रहे हैं। उसके बाद हम आ गए हैं एक मंदिर जो कि मेरे मामा के घर से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर की दूरी पे है। इनका ये मंदिर जो है ये काफ़ी अच्छा स्थान है, इसका नाम है कामाख्या देवी। जो कामाख्या देवी हैं ये मतलब एक तरह का स्थान, मतलब पवित्र स्थान है, और जहाँ पे इनके मंदिर की स्थापना की गई है। तो मामा ने कहा आप लोग आए हुए हो तो चलो हाथों हाथ आप लोगों को ये मंदिर भी दिखा दिया जाए। तो ये एक बगीचे के अंदर बनाया गया मंदिर है, तो हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। हम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, तो मेरे पापा भी फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे। सब लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए अंदर जा चुके हैं, सब लोग दर्शन कर रहे हैं, और बच्चे जो हैं वो खूब सारा खेल रहे हैं, मतलब बहुत सारा खेल रहे हैं, चाहे वो डुगू हो या फिर विपिन हो या फिर हैप्पी हो, मतलब सब लोग बहुत फुल टू एंजॉय कर रहे हैं। आंचल जो है मेरे साथ है, और आंचल फुल टू पूरी जर्नी में मेरे साथ रही है, दीदी ये, दीदी वो, दीदी ऐसे कर लो, दीदी वैसे कर लो। मतलब आंचल को मैं कैसे बताऊँ, आंचल की एज अभी 14 ईयर्स है, मतलब कि 14 साल है वो, मुझसे उम्र में बहुत छोटी है, लेकिन ऐसे बिहेव करती है लाइक जैसे कि मेरी मम्मी हो। मतलब बहुत प्यारी है यार, बहुत ज़्यादा प्यारी है। मतलब मैं आंचल को मैंने अपनी शादी में देखा था, तो वो बहुत छोटी थी, और आंचल ही है जिसने मेरे हस्बैंड के जूते चुराए थे। ये खड़ी है, इसने साली वाला काम इसी ने किया था, जूते दिवाकर जी के इसी ने चुराए थे, और बेचारी को जब 1000 रुपीज दिए दिवाकर जी ने, तो इसने 500 रुपये वापस कर दिए, कह रही नहीं जीजा सिर्फ 500 रुपये ही चाहिए। तो मतलब इतनी अच्छी है ये, मतलब क्या बताऊँ मैं इसके बारे में। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। हम लोग सब दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे घंटियाँ बजा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, फुल टू इंजॉय हो रहा है हमारा यहाँ पे। और उसके बाद पंडित जी जो हैं उनको हमने प्रसाद दे दिया है, प्रसाद वो चढ़ा रहे हैं, और एक नारियल दिया है फोड़ने के लिए प्रसाद के लिए, तो वही नारियल वो फोड़ने की उधर कोशिश कर रहे थे। और डुगू जो है यहाँ पे घंटी बजा रहा है, और इस सारी जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पे, सब कुछ होने के बाद सारे बच्चे जो हैं और सारे बड़े जो हैं वो फोटो वोटो क्लिक करवाने में बिजी हो जाएंगे, क्योंकि मामा ने कहा कि सब लोग आए हुए हैं, परिवार इकट्ठा हो रखा है, तो फोटो होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे दिवाकर जी पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के बाद दिवाकर जी के हम सभी लोग फोटो खिंचवाएंगे। और आंचल ने मेरे कान में आके बोला दीदी मुझे ना जिया जी के साथ अकेले फोटो खिंचवानी है, तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। तो मतलब वो थोड़ा सा बोल नहीं पा, मतलब बोलने में थोड़ी सी ज़्यादा हेजिटेट करती है, तो वो धीरे से आके मेरे कान में बोलती है देखो अभी आई है, उसने बोला कि दीदी फोटो खिंचवाएंगे। तो यहाँ पे वही सब हो रहा है, डुगू कुल टू घंटी वंटी बजा रहा है, एंजॉय कर रहा है। विपिन जो है वो आंचल से बड़ा है और हैप्पी से छोटा है, जो कि ब्लू शर्ट में खड़ा है। यहाँ पे मेरे मामा के 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की, जो कि मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे भी।
और अभी पूजा वगैरह हो गई है, फोटोज सेशन का स्टार्ट हो गया है सबका, तो सब लोग यहाँ पे फोटोज वगैरह क्लिक करवा रहे हैं अपनी अपनी। तो बस यही हो रहा है, इसके बाद हम चलेंगे सीधे सीधे घर, और घर पहुँचने के बाद प्लान्स बन रहे थे कि आगे क्या करना है। अभी शाम के ऑलमोस्ट 6:30 का टाइम अप्रॉक्स ऐसे ही कुछ हो रहा था, और दिवाकर जी आके बैठे हुए हैं, नाना मेरे बैठे हुए हैं, पापा बैठे हुए हैं बाइक पे, डुगू खेल रहा है घर के सामने, तो बस यही सब हो रहा है। और मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ बाहर से मेरे मामा का नया वाला घर कैसा लग रहा है। तो बाहर का लुक ये है मेरे मामा के घर का, जो अभी बन रहा है अंदर से, तो कुछ ऐसा लग रहा है, और उसके बाद आगे का प्लान देखते हैं। सो फाइनली गाइस, शाम हो गई है और बज रहे हैं 5:30, और हम लोग अभी घर वापस आ गए हैं, पानी वानी पिया है, थोड़ा रिलैक्स किया है, सब लोग वहाँ पे आराम कर रहे हैं, और अभी हम जाने वाले हैं दुर्गा पूजा देखने, है ना हैप्पी? जाएंगे अभी दुर्गा पूजा देखने, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है रामपुर भगन, वहाँ जाएंगे हम, देख दाख के आएंगे वहाँ से, और कल हमें जाना है यहाँ से, तो कल की हमारी ट्रेन है दिल्ली की, तो आज ही जो करना है वो करना है, और सिंदूर देखो मेरा, ओके। सो फाइनली बहुत थक गए हैं, बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, और ये जब जाएंगे दुर्गा पूजा के लिए तो आपको दिखाऊंगी, ओके, और नहीं गए तो फिर नहीं दिखाऊंगी, लेकिन जहाँ तक जाएंगे, उधर मामा वगैरह खड़े हैं, बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रहा है कि कल हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कल नहीं जाना है, कल नहीं जाना है, कल और रहना है यहाँ पे, लेकिन हमारी टिकट्स ऑलरेडी पहले से बुक है, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैंने सारी गोल्ड की ज्वेलरी पहनी हुई है, और गोल्ड के बैंगल पहने हुए हैं आज मैंने, गोल्ड वाले बैंगल, दो इस हाथ में एंड दो इस हाथ में, तो ये मैंने बैंगल्स पहनी है गोल्ड वाली, और मंगलसूत्र लॉकेट वाला पहना हुआ है, और इयररिंग्स पहने, बस यही सब है, ठीक है। और वो जो ब्लू सूट कुर्ता लिया था मैंने ब्लू कलर का ग्लोवस से, वो पहना हुआ है, ठीक है। तो चलो, डुब्बू और मेरे पापा वगैरह खेल रहे हैं, ठीक है, चलिए। तो रात में बज रहे हैं अभी ऑलमोस्ट 8, और 8 बजे करीब हम, मैं, हैप्पी, विपिन और दिवाकर जी और डुगू, हम सब आए हैं बाइक से चौराहे पे दुर्गा पूजा देखने। और यहाँ पे दुर्गा जी की बहुत अच्छी एक मूर्ति लगाई गई है, जो बहुत अच्छे से सजाई गई है, और बहुत अच्छा इनका पंडाल बनाया गया है छोटे में ही, और यहाँ पे एक नहीं कम से कम 4-5, थोड़ी थोड़ी सी दूर पे ही 4-5 पंडाल लगे हैं दुर्गा पूजा के। तो हम लोग सारे पंडाल में गए थे, और हमने यहाँ पे भंडारा हो रहा था, तो उन्होंने बुला बुला के सबको भंडारा दे रहे थे, हमने यहाँ पे भंडारा भी खाया, और उसके बाद सबके दर्शन भी किए, प्रसाद भी लिया, और फिर घर के लिए हमने कुछ मिठाई ली, जैसे कि गुजिया मीठी वाली और समोसे लिए, तो इस तरह के कुछ एक आइटम्स लिए घर पे जो लोग बाकी हैं बड़े उनके लिए। और उसके बाद जो है घर पहुंचे थे, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और आई होप आप लोगों को पसंद आया मुझे लाइक करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा मुझे कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा होम टाउन का। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।